हेलो बच्चों, तो नेक्स्ट हमारा है डॉल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की जो एप्लीकेशन है वो है हमारा टॉपिक। और इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक्सप्रेस द पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन की टर्म्स में आपको पार्शियल प्रेशर को एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो इसमें तीन गैसेस ले लेते हैं हम, ठीक है। मान लो कौन सी गैसेस हैं ये, ए बी सी। थ्री गैसेस ले ली, वॉल्यूम क्या है सभी का सेम है, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एन है, ए है, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एन बी है, और इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एन सी है। और पार्शियल प्रेशर जो जनरेट हो रहा है, इसमें पी ए है, पार्शियल प्रेशर पी ए, इसमें पी बी और इसमें पी सी, ठीक है, पी सी, पार्शियल प्रेशर पी सी। ओके, तो क्या किया हमने, लेट थ्री गैसेस ए बी एंड सी बी इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर ऑफ वॉल्यूम V, लेट एन ए एन बी एंड एन सी बी द नंबर ऑफ मोल्स बी द नंबर ऑफ मोल्स लेट पी ए पी बी एंड पी सी बी देयर पार्शियल प्रेशर अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस। आइडियल गैस के अकॉर्डिंग क्या है, जैसे कि मैंने बताया था, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। हमें क्या निकालना है यहाँ से, प्रेशर पी इज इक्वल टू एन आर टी अपॉन वी, ठीक है। ये बन गया हमारा पार्शियल प्रेशर आइडियल गैस के अकॉर्डिंग। तो हमें अलग अलग पार्शियल प्रेशर निकालने हैं, जैसे पी ए, पी ए के लिए पार्शियल प्रेशर बन जाएगा एन ए आर टी अपॉन वॉल्यूम वी, इसको नंबर वन दे देते हैं हम। फिर है पी बी के लिए एन बी आर टी अपॉन वॉल्यूम, इसको नंबर टू दे देते हैं। पार्शियल प्रेशर पी सी के लिए एन सी आर टी अपॉन वॉल्यूम, इसके लिए नंबर थ्री दे देते हैं, ठीक है। और डाल्टन लॉ था उन्होंने क्या बोला था, अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी। तो यहाँ पे हम ये तीनों इक्वेशन पुट कर देते हैं, पी टोटल क्या आ जाएगा, एन ए आर टी अपॉन वी, एन बी आर टी अपॉन वी, एन सी आर टी अपॉन वी, ठीक है। तो पी टोटल क्या आ जाएगा, अगर हम इसमें से कॉमन, क्योंकि आर टी सभी में कॉमन है, तो एन ए एन बी और एन सी, और ये क्या आ गया कॉमन, आ गया आर टी अपॉन वी। और ये जो एन ए एन बी एन बी और एन सी है, इनको क्या मान लेंगे हम, एन है, ये टोटल क्या है, एन है, पी टोटल, ठीक है। ये क्या है, एन, एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ लिख लो टोटल नंबर ऑफ मोल, टोटल नंबर ऑफ मोल्स।
ठीक है, इसको दे देते हैं हम इक्वेशन 4। ठीक है, तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1/4। ठीक है, इक्वेशन 1/4, इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारी, पी ए इज इक्वल टू एन ए आर टी अपॉन वी। तो यहाँ लिख देते हैं हम ये पी ए अपॉन पी टोटल इज इक्वल टू, क्या थी इक्वेशन, एन ए आर टी अपॉन वी। और जब ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा वी और यहाँ पे आ जाएगा एन आर टी। यहाँ वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, आर टी से आर टी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा यहाँ पे, एन ए अपॉन एन। ठीक है, तो ये जो एन ए अपॉन एन है, इसी को क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर ए। ठीक है, तो क्या आई हमारे पास इक्वेशन, यहाँ कर देती हूँ मैं, पी ए अपॉन पी टोटल, पी ए अपॉन पी टोटल इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन। ठीक है, और ये क्या बन गई थी हमारे, पी ए अपॉन पी टोटल इज इक्वल टू एक्स ए। एक्स के, एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए। ठीक है, एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए। ठीक है, तो ये आ गया हमारा पी ए इज इक्वल टू एक्स ए पी टोटल। ठीक है, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए के लिए आया। वैसे ही हम पी बी, तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस बी के लिए आ जाएगा पी टोटल, और सी के लिए भी निकाल सकते हैं, पी सी इज इक्वल टू एक्स सी और पी टोटल के लिए, ऐसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।